मित्रों नमस्कार। आज के इस बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंतर्गत एमएस वर्ल्ड में होम टैब के अंतर्गत जो दूसरा ग्रुप है फॉन्ट, उस पर जितने आइकन हैं अर्थात जितने कमांड हैं उस पर आपसे डिस्कस करेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। होम टैब के अंतर्गत जो दूसरा ग्रुप है, ग्रुप मतलब सेक्शन, आपको दिख रहा होगा जहां मेरा कर्सर ब्लिंक कर रहा है, ये सेक्शन कहलाता है फॉन्ट सेक्शन। यहाँ पर आपका जो पहला इसमें दिख रहा है आपको बॉक्स, यहाँ पर ये फॉन्ट की लिस्ट है। आप यहाँ से फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। और एक बात और दोहराना चाहूंगा, इसके पहले भी मैंने आपको बताया था, कोई भी कमांड एमएस वर्ड में तब काम करता है जब आप किसी भी टेक्स्ट को या जो भी मटेरियल है उसको आप सेलेक्ट करें। जैसे इसको आपने सेलेक्ट कर लिया, अब आप यहाँ पर जिस फॉन्ट के नेम में आप जाएंगे उसकी शक्लो सूरत का प्रीव्यू आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेगा। तो ये फॉन्ट चेंज करने का ऑप्शन है। आप अपने मनचाहा फॉन्ट की साइज के अनुसार आप फॉन्ट को चूज कर सकते हैं। दूसरा सेक्शन आपको दिख रहा है फॉन्ट की साइज का, यहाँ पर, यहाँ से आप फॉन्ट की साइज को चेंज कर सकते हैं। उसके लिए जैसा मैंने आपको बताया, पहले आपको किसी भी टेक्स्ट को सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के पश्चात यहाँ से आप जितना आपको फॉन्ट की साइज चाहिए उतना आप सेलेक्ट कर लीजिए। इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजेदार बात यह है कि जितना जिस फॉन्ट की साइज में आप अपना माउस लेके जाएंगे वो प्रीव्यू में कितना दिखेगा, प्रिंट के बाद कितना दिखेगा, ये आपको सामने यहाँ पर दिखाई पड़ेगा। अगला, अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए आप कैपिटल ए और स्मॉल ए, ये है, ये फॉन्ट के साइज को 2 पॉइंट इंक्रीज और डिक्रीज करने का है। मैं जैसे इंक्रीज कर रहा हूँ आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, अब मैं इसको डिक्रीज कर रहा हूँ आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो अगर आपको किसी भी सेलेक्टेड टेक्स्ट की फॉन्ट साइज को एक बार में 2 पॉइंट इंक्रीज करना हो या 2 पॉइंट डिक्रीज करना हो तो ये दोनों काम में आते हैं। आइए अगला हम चर्चा करते हैं। यहाँ बी आई और यू बना हुआ है। बी का मतलब होता है बोल्ड, आपको बोल्ड करने का मतलब थोड़ा सा गाढ़ा वो दिखे। तो जिस टेक्स्ट को बोल्ड करना है उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए, बी पर आप क्लिक कर दीजिए, ये देखिए बोल्ड हो गया। फिर से आप बी पर ही क्लिक कर दीजिए तो ये आपका फिर नॉर्मल हो गया। माने ये टॉगल कमांड है, इसको आप कीबोर्ड शॉर्टकट कंट्रोल बी से भी ये काम कर सकते हैं। दूसरा है इटैलिक, तिरछा दिखना, जब इस पर क्लिक करेंगे तो ये तिरछा आपको दिखेगा टेक्स्ट। और क्या कौन सा कमांड अप्लाई है वो आप देखेंगे यहाँ पर रिबन में, तो वो आपको येलो कलर में दिखाई पड़ेगा कि अभी ये फॉर्मेटिंग यहाँ पर लागू है। फिर से आप उसी पर क्लिक कर दीजिए, काम खत्म। ये आपका अंडरलाइन का है, इसमें आप देख पा रहे हैं कि बगल में एरो का निशान है, मतलब यहाँ पर सिंगल अंडरलाइन और डबल कर सकते हैं जैसा आपकी इच्छा हो। ये किया, अंडरलाइन हो गया। फिर आपको दूसरी स्टाइल देखना है, ये कर दिया, और अंडरलाइन खत्म करना है तो फिर से इसी पर क्लिक कर देंगे तो ये आपका फिनिश हो जाएगा। अब इसके बाद में अगला कमांड आपको यहाँ पर दिख रहा है, एबीसी लिखा हुआ है, और जब आप माउस लेके जा रहे हैं तो यहाँ पर लिख के आ रहा है स्ट्राइक थ्रू। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत कम लोग यूज करते हैं। जब इस पर आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपका टेस्ट हो जाएगा। मान लीजिए मुझे यहाँ पर सेलेक्ट करके और यही कमांड अप्लाई करना है तो यहाँ क्लिक करूंगा, ये तो ये कहलाता है जो कमांड है वो स्ट्राइक थ्रू। इस तरीके से आप इस कमांड का उपयोग कर सकते हैं। अगले ये जो दोनों आइकन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट। देखिए समझिए सब स्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है। सब का मतलब नीचे टेक्स्ट को लेकर के आना। मान लीजिए कि मैंने इसको सेलेक्ट किया या आपने किया और जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये कार्यालय जो शब्द है वो नीचे आ गया। अगर आपको सबसे अच्छा इंटरेस्टिंग है, मान लीजिए आपने लिखा 156, अब आपको 6 को नीचे लेकर के आना है तो आपने ये क्लिक कर दिया, ये 6 नीचे आ गया, ये कहलाता है इस टाइप। अब समझिए अगर आपने इसको फिनिश करके जो बगल में आपका है वो कहलाता है सुपर स्क्रिप्ट। जैसा अभी आपने सब स्क्रिप्ट में किसी एक या दो डिजिट को आपने नीचे किया, अगर ऊपर करना है तो जिसको भी ऊपर करना है उसको बड़े प्यार से सेलेक्ट करिए और बगल में ये जैसे ही माउस लेकर के आएंगे लिख के आ जाएगा सुपर स्क्रिप्ट। शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस, ये करेंगे ये देखिए ऊपर आपका पहुंच गया।
तो ये एमएस वर्ल्ड की बहुत शानदार ब्यूटी है, इसका उपयोग आप करना सीखिए। अगले कमांड के बारे में आपको बताऊंगा जिसके ठीक बगल में है, कैपिटल स्मॉल है, ये केस चेंज करने के लिए। अंग्रेजी में सभी कैपिटल या सभी स्मॉल या कुछ स्मॉल कुछ कैपिटल के लिए बहुत कम लोग इसको जानते हैं, इसको समझिए। मान लीजिए मैंने इतना सेलेक्ट किया और यहाँ पहले लिखा हुआ है सेंटेंसेस केस, इस पर क्लिक किया तो सेंटेंसेस में जैसा चलता है कि फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, बाकी सब स्मॉल। इसके अलावा मान लीजिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट है दूसरा और तीसरा, अगर आपको सभी लेटर्स, ये खासकर नाम वगैरह में इसकी आवश्यकता पड़ती है, ऑल स्मॉल और ऑल कैपिटल, तो अगर मैं लोअर केस पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए सारा जो सारे कैरेक्टर क्या हो गए, लोअर केस में आ गए, यानी अंग्रेजी के छोटे अक्षरों में। अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ अपर केस में तो ये सारे देखिए सारे जो कैरेक्टर्स हैं प्रत्येक शब्द में वो सभी कैपिटल लेटर में आ गए। मतलब कहने का कि मतलब कहने का अपर केस में। और अगर आपको इंटरेस्टिंग ये बात होती है कि जितने वर्ड हैं प्रत्येक वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल हो, जो आजकल बहुत ज़्यादा यूज में आता है हेडिंग डालने के लिए, तो इसके लिए सबसे बढ़िया कमांड होता है ये कैपिटलाइज्ड ईच वर्ड। जब देखिए मैं इसको सेलेक्ट करके और यहाँ क्लिक कर रहा हूँ तो ये देखिए प्रत्येक वर्ड का वंडरफुल कैरियर जर्नी का प्रत्येक फर्स्ट लेटर आपका कैपिटल हो गया। चलिए अब शीघ्रता से अपन सीखते हैं। बगल में ये दिया हुआ है हाईलाइट का, आप अपने किसी भी टेक्स्ट को जिसको भी आप करना चाहते हैं हाईलाइट, वो यहाँ से आप हाईलाइट कर सकते हैं और जिस कलर में आप चाहें उस कलर में हाईलाइट कर सकते हैं। अगर फिर से आपको फिनिश करना है तो यहाँ से आप नो कलर कर दीजिए, आपका फिनिश हो जाएगा। और सबसे अंत में ये क्षमा चाहूंगा, हाईलाइट का जो भी कलर आप चूज करेंगे, यहाँ से मान लीजिए मैंने रेड किया चूज, तो ये आपका इस तरीके से पेन बन जाता है, जहां भी इसको आप ड्रैग कर देंगे माउस को दबा के उसी कलर में ये हाईलाइट हो जाएगा। आइए अंतिम में हम सबसे अंत में चर्चा करते हैं फॉन्ट के कलर का। तो यह अंतिम कमांड है इस ग्रुप का, इसमें आपको जिस भी वर्ड का सेंटेंसेस का या एक करेक्टर का जिसका भी आपको कलर चेंज करना हो उसको आप पहले सेलेक्ट कर लीजिए और फिर यहाँ फॉन्ट कलर में जा करके जहाँ भी आप कर्सर रखेंगे जिस कलर में उस कलर में आपको उस फॉन्ट का कलर आपके स्क्रीन पर प्रीव्यू होगा। तो इस तरीके से आप यहाँ से फॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। ये फॉन्ट का कलर देखने में बहुत ही अच्छा लगता है, ये फॉन्ट का कलर चेंज करने के लिए है। और अगर और आपको फॉन्ट चेंज करना हो तो ये फिर कस्टम डायलॉग बॉक्स उभरता है जिसमें से आप अपना मनचाहा फॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मित्रों ये थी जानकारी एमएस वर्ड के पहले टैब होम सेक्शन का, दूसरा जो ग्रुप या समूह है फॉन्ट उसकी। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही जानकारी के साथ जिसमें हम होम टैब के अंतर्गत आने वाले ये जो पैराग्राफ सेक्शन है पैराग्राफ ग्रुप है इस संबंध पर चर्चा करने के लिए। तब तक धन्यवाद, जय हिंद।